गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स आज हमारा चैप्टर ज्योग्राफी से है, मोशन ऑफ द अर्थ. ठीक है, पृथ्वी की गतियाँ. एज़ यू नो दैट द अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मोशंस. जैसा कि आप जानते हैं कि जो अर्थ है वो टू टाइप्स में मोशंस करती है. ठीक है, आप देखिए इसकी जो मोशंस की टू टाइप्स हैं. फर्स्ट है रोटेशन एंड रेवोल्यूशंस. दो टाइप्स इसके, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. जो रोटेशंस है स्टूडेंट्स, ये देखिए, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. ये जो अपने ही, ठीक है, अक्ष पर या अपने ही एक ही जगह पर जब ये क्या करती है, रोटेशन करती है, उसको क्या बोला, उसको एक ही जगह पर जब मूवमेंट करती है उसको बोला जाता है रोटेशन. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ राउंड द सन. जब ये सन के राउंड लेती है ना, सन के राउंड लेती है फिक्स्ड, एक उसका फिक्स्ड पाथ पर जो राउंड लेती है उसको क्या बोला जाता है, रेवोल्यूशंस. अब नेक्स्ट देखिए, रेवोल्यूशंस ऑफ द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज़ एन इमेजनरी लाइन. अब देखिए जो ये एक्स, जो ये बताया ना एक्सिस, ये क्या है, इमेजनरी लाइन है स्टूडेंट्स. और इसका एंगल है 66 1, देखिए 1 एंड देखिए फिर इसका है 66.5 डिग्री विद द ऑर्बिटल प्लान. अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स, ये 66.5 डिग्री है अक्षीय सतह से कोण बनाती है, या इसका एंगल है. द प्लान फॉर्मेड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज ए ऑर्बिटल प्लान. अब देखिए स्टूडेंट, जो वह जो समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल प्लान या कक्षीय समतल बोला जाता है इसको. फिर है स्टूडेंट द प्लान, फिर नेक्स्ट है देखिए, द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन. जो अर्थ है वो रिसीव करती है, लाइट लेती है सन से ड्यू टू द स्फेरिकल शेप. आप जानती हैं अर्थ की शेप के बारे में हमने बात की थी, स्फेरिकल शेप की है. ऑन द हाफ, जो हाफ पार्ट है वो इसका देखिए गेट्स लाइट लेता है सन से. और एट द टाइम, और एक ही टाइम में आपको पता है जो इसके जो सूरज की रोशनी है ना, वो आधे पार्ट पर इसके सामने वाले पार्ट पर पड़ती है. तो वहाँ पर स्टूडेंट्स वो वाला जो जो इसके फेसिंग जो पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस वहाँ पर डे होता है. वही ओदर जो दूसरा वाला हाफ पार्ट है ना, वहाँ पर क्या होती है, वहाँ पर सन की लाइट नहीं जाती है. तो वहाँ पर एक्सपीरियंस ये नाइट, मतलब कि वहाँ पर जो है सूरज की रोशनी नहीं प्राप्त होती. तो वो वाला भाग जो दूसरा वाला भाग है ना वो दूर है, तो उसमें क्या होगा, नाइट होगी. द सर्कल दैट डिवाइड्स दैट द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोबल इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशंस. अब स्टूडेंट देखिए, अब ये बताया कि जो ये सर्कल है इसे, ये जो बताया ना ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है, ठीक है, दिन और रात को डिवाइड करता है, उस सर्कल को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशंस, मतलब कि उसे प्रदीप्त वृत्त भी कहा जाता है. दिस सर्कल डज नॉट देखिए कोइंसाइड विद द एक्सिस एज यू सी द फीचर 3.2. अब आप देखिए स्टूडेंट, इसने कहा है कि जो ये बताया है कि यह जो सर्कल है कि ये मतलब कि बताया कि जैसा कि आपने जो ये एक आपके पिक्चर्स दे रखे, फिगर दे रखा है 3.2 में, आप इसे देख सकते हैं. देखिए स्टूडेंट 3.2 में इसका हाफ पार्ट है जिस पर सूरज की रोशनी पड़ रही है, और ये तो इसमें क्या है, यहाँ पर क्या है, डे है, और जो अदर पार्ट है वो डार्क है, वहाँ पर क्या है, नाइट है. ठीक है, अब ये किसकी वजह से होता है, ये रोटेशन की, ये देखिए स्टूडेंट ये तारक है, ये रोटेशन की वजह से ऐसा होता है. नेक्स्ट देखिए इसमें नेक्स्ट है स्टूडेंट देखिए फिर है द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स कंप्लीट वन रोटेशन. एक जो रोटेशन, एक चक्कर है ना, वो कितने 24 आवर्स में कंप्लीट करती है अराउंड इट्स एक्सिस. ठीक है, अपने अक्ष पर 24 घंटे में क्या करती है, 24 घंटे का समय लेती है एक चक्कर पूरा करने के लिए. उसके बाद देखिए स्टूडेंट द पीरियड ऑफ रोटेशन, जो इसका रोटेशन का पीरियड है उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है अर्थ डे. ठीक है, घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है. अब दिस इज़ द डेली मोशन ऑफ द अर्थ, और यह पृथ्वी की दैनिक गति है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, एक फिगर आपके 3.1 दे रखा है, इसमें देखिए, इसमें स्टूडेंट ये आपके बता रखा है कि जो अर्थ है, अर्थ को टू पार्ट्स में बांटा हुआ है, और टू एक इसके देखिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल. ये देखिए इसके बाद इसमें इंक्लिनेशंस ऑफ द अर्थ एक्सिस ऑन द ऑर्बिटल प्लान. अब ये इसका ये सारा आपको देखिए वर्टिकल लाइन फ्रॉम द अर्थ ऑर्बिटल प्लान. अब ये वर्टिकल जो है, ये देखिए अर्थ की घूमने की जो ये रोटेट होने की स्थिति को बता रहा है. ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट फिर एक आपके यहाँ दे रखिए, एक आपके लेट्स टू में देखो आओ कुछ करके सीखें. टेक ए बॉल
टू रिप्रेजेंट द अर्थ एंड ए लाइटेड कैंडल टू प्रेजेंट द सन। आप देखिए पृथ्वी को दर्शाने के लिए एक आपको क्या, जब आपको देखना है ना वो जो अर्थ है, अर्थ को दिखाने के लिए आप एक बोल लीजिए, और सूर्य को दर्शाने के लिए आपको एक जलती हुई मोमबत्ती लेनी पड़ेगी, ठीक है। लाइट मार्क ए पॉइंट ऑन द बॉल टू प्रेजेंट टाउन एक्स। अब देखिए स्टूडेंट, अब आपको क्या करना है, जो बॉल पर एक शहर को दिखाने के लिए निशान लगाएं, ठीक है, मार्क करें आप। प्लेस द बॉल इन द सच ए वे दैट टाउन एक्स इज इन ए डार्कनेस। अब देखिए जो आपको बताया गया है कि आप जो बॉल को इस प्रकार से रखें कि शहर जो एक्स है ना वो अंधेरे में हो, ठीक है, वो सामने ना हो, वो आपको अंधेरे में, दूसरी साइड हो अंधेरे में। नाउ रोटेट द बॉल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब उसके बाद आपको करना है, रोटेट करना है बॉल को, लेफ्ट टू राइट घुमाएं, ठीक है। और उसके बाद देखिए, एज यू मूव द बॉल स्लाइटली द टाउन विल हैव इट्स सनराइज। अब फ्रेंड देखिए, जैसे कि तो देखिए अब आपको पता है, अब जैसे जैसे आप गेंद को घुमाएंगे, बॉल को थोड़ा थोड़ा घुमाते हैं, तो शहर में सूर्य उदय होता है, ठीक है, सनराइज होता है। और उसके बाद देखिए, एज द बॉल कंटिन्यू टू मूव, और कंटिन्यू इसको मूव करना है आपको, बॉल को जारी घुमाना जारी रखना है। नेक्स्ट है द पॉइंट एक्स ग्रेजुअली, अब जो पॉइंट एक्स है वो धीरे धीरे गेट्स अवे फ्रॉम द सन। आप क्या है, बिंदु एक्स धीरे धीरे सूर्य से दूर चला जाता है, ठीक है, और वहाँ पर जब दूर चला जाता है ना एक्स, तो इसे क्या होगा, यह यहाँ पर क्या होगा, सनसेट, ठीक है, दिस इज सनसेट, और यह क्या था, सूर्यास्त। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, आगे का देखते हैं हम, आगे है हमारे देखिए, वट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। अब स्टूडेंट आपको पता है, अगर पृथ्वी रोटेट नहीं करे तो क्या होगा, अब क्या है, द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस इट। अब जो सामने रहेगा ना सूरज के, जो अर्थ का जो पार्ट, वहाँ पे हमेशा ही क्या रह जाएगा, वहाँ हमेशा दिन हो जाएगा। और जो दूसरा पार्ट है जो क्या होगा, अब देखिए ब्रिंग द कंटिन्यूस वार्म द रीजन। अब देखिए वहाँ पर क्या, सूर्य की तरफ वाले भाग में हमेशा दिन रहेगा, जिसके कारण उस भाग में क्या होगी, लगातार गर्मी बढ़ जाएगी। और द अदर हाफ पार्ट, जो दूसरा जो हाफ पार्ट है जहाँ पर डार्कनेस थी, वो क्या हो जाएगा, वो फ्रीजिंग कॉल्ड एट द ऑल टाइम, और वहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, दूसरा भाग जो अंधेरे है वहाँ पूरे ठंड ही पड़ेगी। और इस तरह से लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल, इस तरह से जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं होगी, जीवन संभव नहीं हो पाएगा अर्थ पर। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ, अब सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ द राउंड इन इट्स ऑर्बिटल इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। अब देखिए स्टूडेंट, जो सेकेंड मोशन है उसमें क्या है, जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे क्या बोलते हैं, सूर्य के चारों ओर जो लेती हैं उसे बोलते हैं रेवोल्यूशन। इट टेक्स 365 1/4 days टू रिवॉल्व अराउंड द सन। आपको पता है स्टूडेंट इसमें टाइम कितना लगता है, इसमें टाइम लगता है 365, ठीक है, 1/4 day का टाइम लगता है, और इसमें एक चक्कर वो अपना पूरा करती है, ठीक है, इतना टाइम लगता है, इतने दिन लगते हैं उसे। और स्टूडेंट देखिए, वी कंसिडर ए ईयर एज ए कंसिस्टिंग 36 days, ओनली द इग्नोर 6 hours फॉर सेक कॉन्वेंशंस। अब देखिए स्टूडेंट, आपको पता है हम लोग एक वर्ष, आपको पता है हमारा एक वर्ष 365 डेज का मानते हैं, और तथा हम अपनी सुविधा के लिए क्या करते हैं, जो सिक्स जो आवर्स है ना, 6 घंटे, उनको हम इग्नोर करते हैं, उसको हम इसमें नहीं जोड़ते, ठीक है, ये हम नेक्स्ट देखिए। उसके बाद है स्टूडेंट, ये देखिए फिर उसमें कहा है कि डू यू नो द एंशियंट टाइम एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट हैड स्टेटेड दैट द अर्थ इज राउंड एंड रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। अब आपको पता है जो आर्यभट्ट एस्ट्रोनॉमर, उन्होंने बताया था कि पृथ्वी गोल है, ठीक है, और अपने ही अक्ष पर क्या करती है, वो राउंड या रोटेट घूमती है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, उसके बाद में आपको ये फिगर दिया हुआ है। अब इस फिगर में देखिए स्टूडेंट्स, इस फिगर में, इस फिगर को बताने से पहले स्टूडेंट्स,
ये मैंने आपको पहले बता दिया, हमने पहले बात कर ली है इसकी, इसमें जैसे दिन और रात कैसे बनते हैं, ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको कंफर्म कर दिया। नेक्स्ट अब स्टूडेंट, इसमें जो अब आगे का हमारा इसमें सीज़न के बारे में बात, हम अपनी जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक्स।